हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, काफ़ी सारे हमारे उत्तराखंड के युवा साथियों के मन में एक सवाल इस समय काफ़ी तेज़ी से आ रहा है कि जो 20 जून से हमारा अग्निवीर भर्ती का फिजिकल है वो किस किस जनपद वालों का है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज यह जो आपका सवाल है इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाला है। तो उत्तराखंड में 20 जून से रानीखेत सोमनाथ ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती का पहला चरण का फिजिकल होने वाला है। यहाँ पर कितने जनपद वालों को यहाँ पर भाग लेने का मौका मिलेगा, इस पर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो 20 जून को रानीखेत में अग्निवीर भर्ती हेतु फिजिकल होगा, जो मित्रों 15 जुलाई तक चलेगा। आपको यहाँ पे हिदायत दी है कि आपको रात 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी आपकी एंट्री। तो अग्निवीर भर्ती के लिए 20 जून को रात 2:30 बजे से अभ्यर्थी को सैनी परिसर में एंट्री शुरू कर दी जाएगी। एंट्री सुबह 6 बजे तक खुली रहेगी। जो सुबह 6 बजे के बाद आएगा उसे वापस घर लौटा दिया जाएगा। अब आती है बारी की भाई कितने जनपद वालों का यहाँ पर फिजिकल है। तो पास के जिलों के लिए भी रानीखेत में सेंटर बनाए गए हैं। तो सेना कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सेना भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा के तहत आने वाले 4 जिले बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा के अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों के अभ्यर्थियों के लिए रानीखेत में सेंटर बनाया गया है। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर सोमनाथ स्टेडियम में यह भर्ती आयोजित की जाएगी। तो ध्यान रहे, बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंह नगर और अल्मोड़ा जनपद वासियों का 20 जून से 15 जुलाई तक फिजिकल ही आपको ध्यान रखना है। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं जो इन जनपदों से बिलोंग करते हैं। तो मित्रों, इस बार भर्ती सेंटर पर समय से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों हेतु एक अच्छी जो न्यूज़ है वो है कि 100-100 का यहाँ पे ग्रुप बनाया जाएगा। सभी 100 लोगों को एक ही ग्रुप में दौड़ना होगा। दौड़ के लिए भर्ती सेंटर के मैदान पर 400 मीटर का एक ट्रैक तैयार किया गया है। तो इस बार आपको 400, 500, 600 ऐसे ग्रुप वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। 100-100 के ग्रुप बनाए गए हैं और 400 मीटर का आपका ट्रैक होगा। और चीज़ें जो है मित्रों, वो सब जो आप जानते होंगे, 100-100 मीटर की दौड़ होती है और हाइट बीम जो भी होता है नॉर्मल, वही पहले वाला ही होता है। तो आप लोगों को जानकारी मिल गई है कि किन जनपद वालों का फिजिकल है और एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर। तो यही थी मित्रों अपडेट। अन्य जनपदों का जब ही आएगा सूचना, मैं आपको तुरंत सूचित कर दूंगा। चैनल पे आप लोग बने रहेंगे, नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।